सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत। आज मैं फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, हरि दर्शन विद बिलजीत। और आज मैं लोटस टेंपल आया हूं, आज मैं आपको लोटस टेंपल दिखाने वाला हूं। और सबसे ज्यादा तो मैंने देखा कि यहां पे ग्रीनिश मेंटेनेंस और क्लीनिंग जो कि अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करती है। मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ जब मैंने इसको सामने से देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम आया था यहाँ। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ की ग्रीनिश, मैं दिखाऊंगा आपको कितने खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेनेंस की गई है, कितनी क्लीनिंग है, ये देखिए। तो चलते हैं यहाँ से टेंपल देखते हुए। सो पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक बाही हाउस ऑफ उपासना है जो दिसंबर 1986 में समर्पित की गई थी, जिसकी लागत 10 मिलियन थी। धर्म के सभी बाही घरों की तरह लोटस टेंपल सभी के लिए खुला है, धर्म या किसी भी अन्य योग्यताओं पर परवाह किए बिना। सो यह इमारत 27 मुक्त खड़े संगमरमर से बनी पंखुड़ियों से बनी है, जिसमें 9 भागों को बनाने के लिए 3 गुच्छों में व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्रीय द्वार पर 40 मीटर अधिक ऊंचाई और 2500 लोगों की क्षमता वाले 9 दरवाजे हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हुए, यहीं से अभी हम सीधा एंटर करेंगे अंदर। देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है यहाँ पे हर वक्त। संडे का दिन था उस दिन, जिस दिन मैं इसको कवर करने के लिए गया था, तो बहुत ही जबरदस्त क्राउड था। मुझे कोई 1 घंटा लग गया था इसको अंदर एंटर करने में। और यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी मैं अंदर आ गया हूँ, ये लोटस टेम्पल के अंदर का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। मैंने 3-4 क्लिप लेने की यहाँ से कोशिश की थी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं रखी गई, कोई पूजा नहीं होती। बस यहाँ पर आके आप शांतिपूर्वक बैठकर आप गॉड को प्रे कर सकते हैं, शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है अंदर की। और जब भी आए, और यहाँ पर कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ आए तो वॉइस ना करें, क्योंकि जब भी वॉइस आप करेंगे तो पूरे हॉल में गूंजती है, तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ से आ गया हूँ मैं बाहर, और अभी मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ बाहर की खूबसूरती। मैं एक थोड़ी सी और चीज़ बता दूँ कि लोटस टेम्पल ने कई वास्तुशिल्प पुरस्कार जीते हैं और कई अखबार और पत्रिका के लेखों में चित्रित किया गया है। 2021 CNN की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टेम्पल है। और ये टेम्पल बिल्कुल कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूर पर है। यहाँ से देख सकते हैं इस टेम्पल की खूबसूरती, इतना खूबसूरत टेम्पल है, बहुत अच्छा लगेगा, आपको जरूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे। और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री और बताना चाहूँगा। वास्तुकार एक ईरानी फारी बोरज साहब थे जो अब कनाडा में रहते हैं। लोटस टेम्पल को डिजाइन करने के लिए 1976 में उनके संपर्क किया गया था। 18 महीने के दौरान यूके की कंपनी क्लिंट और नील द्वारा संरचित डिजाइन तैयार किया गया था, और बाद में इसके निर्माण की देखरेख की गई थी। भूमि को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि का बड़ा हिस्सा हैदराबाद सिंह के अर्धदेश रुस्तमपुर द्वारा दान किया गया था, जिसने 1953 में इस उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये एक छोटी सी स्टोरी थी इस टेम्पल की जो मैंने आपके साथ शेयर की। और यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे दर्शाया और दिखाया गया है, तो खूबसूरती के साथ इस टेम्पल को मेंटेनेंस बहुत अच्छी लगी मुझे इसके। यहाँ की बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा लगेगा जब, आपको विजिट जरूर करना चाहिए इस टेम्पल को। बहुत खूबसूरत लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं, ये देखिए। सो गाइस, यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड की ओर ले जाते हुए मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो बनाता नहीं हूं, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं और कोशिश करता हूं चीज़ों को दिखाने की। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।